इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रिवर्स चार्ज एंट्री के रिगार्डिंग, कौन कौन से एक्सपेंस हैं जिन पे आपको आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेंस हैं जिन पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ही एंट्री में बहुत ही सिंपली कर फाई करके हमने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप ईआरपी के थ्रू जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है वो सिंपल तरीके से कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में नीचे आप देखेंगे जो हमने 84 एक्सपेंस हैं उनकी कंप्लीट रिवर्स चार्ज के अंडर एंट्री और किस पे क्लेम होगा, किस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा, सारी डिटेल। और ये डिटेल लिस्ट आप डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप एंट्री डाल सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट से आप गेन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एंट्री को डालने के लिए आपको एंट्री मेनू में यहाँ पे जीएसटी वाउचर में जाना है। जीएसटी वाउचर में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली डेट आ गई। मैंने यहाँ पे मैंने खर्चे की एंट्री डाली है तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक्सपेंस वाउचर। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रेडिट और सपोज करो मेरा ऑफिस रेंट का जो वाउचर है मैंने एंटर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम F3 करेंगे, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सपोज करो यहाँ पे मैंने बना लिया शरिंद्रा कौशल जी, यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद इसको ले लेंगे सेंडरी क्राइटर में और इसको कर देंगे हम सेव। इस तरह से जितने भी एक्सपेंस आपने स्टैंड करने हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ऑफिस रेंट पे आईटीसी क्लेम होगा तो यहाँ पे ले लेंगे, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं तो यूआरडी आईटीसी मींस इस जो हम ये एंट्री डाल रहे हैं एक्सपेंस पे, इस पे हमारा जो रेंट है वो क्लेम होगा। और यहाँ पे आपने F3 करके या ऑफिस रेंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपने ऑफिस रेंट अकाउंट उठा लेना है और उसके साथ जो एक्सपेंस अकाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। इस पे कितने परसेंट लगेगा, 18%। तो यहाँ पे 18% डाल देंगे और HSN कोड डाल देंगे यहाँ पे, जो भी इसका HSN कोड है हमारा। सपोज करो 10,000 यहाँ पे ऑफिस रेंट है तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया टैक्सेबल अमाउंट में डाल देंगे। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसने SGST, CGST, एडिशनल टैक्स नेट अमाउंट आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे बांध लिया। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया शॉप रेंट पेड। यहाँ पे इस एंट्री को हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इस वाउचर को आप प्रिंट कर सकते हैं। इस एंट्री में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपको जो रिवर्स चार्ज की एंट्री डालनी है, मैंने जिस ईआरपी में देखा है 100 कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है और रिवर्स चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। हमारे पास भी बहुत सारी सजेशन आई और हमने उसी को मतलब मानते हुए एक यहाँ पे मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चेंज किया है कि आपको बार बार हर एक्सपेंस के लिए आपको अलग वाउचर ना क्रिएट करना पड़े, अलग ना टाइप ना यहाँ पे क्रिएट करनी पड़े। जैसे मैं एक नेक्स्ट बनाता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंस डालता हूँ, सपोज करो मैंने एक और यहाँ पे कैश की एंट्री डालता हूँ। मैं यहाँ पे कैश ले लिया। सपोज करो हमने खाना मंगवाया अपने ऑफिस में और ये जो खाना फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस है हमारा, इस पे आईटीसी क्लेम नहीं होता एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर जीएसटी रूल। तो यहाँ पे हम ले लेंगे यू अनरजिस्टर्ड। अगर हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम डालेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर नॉन आईटीसी। मतलब हम खाने पे जो हमने ऑफिस में खाना वगैरह जो भी हमने लिया है उस पे आईटीसी क्लेम नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एंटर किया और उसके बाद यहाँ पे हम F3 करके एक अकाउंट बनाते हैं, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे प्लस का जो बटन है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने फूड एंड बेवरेज एक एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद इसको ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसको कर दिया मैंने सेव।
यहाँ पे हमने फूड एंड बेवरेज का अकाउंट उठाया, मतलब कौन से अकाउंट में, कौन से एक्सपेंस अकाउंट में ये स्टैंड करेगा, यहाँ पे हम एट ए टाइम एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 18% इस पर भी टैक्स लगता है, तो यहाँ पे इसका HSN कोड कोई भी हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद एंटर। और उसके बाद यहाँ पे हमने सपोज करो 6000 फूड एंड बेवरेज पे किया है, तो यहाँ पे डाल देंगे ऑटोमेटिकली फूड एंड का एक्सपेंस हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हमने सेव कर दिया। मतलब एक ही वाउचर में आपने सिंपली मतलब एंट्री करते जाना है और आपका जो अकाउंटिंग है और जो आपकी GST की रिपोर्ट्स हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट एक्सपेंस एक एंट्री में और करके बताता हूँ। सपोज हमारे ऑफिस में हमने कोई पैम्पलेटिंग या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई फ्लैक्स प्रिंटिंग कुछ भी हमने करवाया है, तो उसके लिए हम कैसे डालेंगे ITC के रिगार्डिंग एंट्री, उसका हम कैसे क्लेम ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया। सपोज करो हमने किसी पार्टी से क्रेडिट पे वाउचर, जो पार्टी है किसी से हमने यहाँ पे मैंने बना लिया एक अकाउंट अनिल आर्ट्स, इनसे हमने कोई प्रिंटिंग करवाई है, जो प्रिंटिंग के चार्जेस हैं जो एडवर्टाइजमेंट पे हमने किया है, तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे डाल देंगे। इस पे ITC क्लेम होना है तो यहाँ पे ले लेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर ITC और यहाँ पे ले लेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, और इसको फिर यहाँ से हम सेव करेंगे और इसको ले लेंगे हम यहाँ पे 18% में, इस पे भी 18% लगता है, यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोज करो 5000 पे किया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह हम डाल देंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम जो डेली के एक्सपेंस है सिंपली आपको यहाँ पे एक ही वाउचर में इंटर करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्री डाल के बताई है और नीचे सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, सबके अकाउंट आपने जितने भी एक्सपेंस हैं उनके सबके अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है यहाँ पे मास्टर में आके जितने भी आपके एक्सपेंस हैं सबसे पहले आपने उनके अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। जैसे जॉब वर्क है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, यहाँ पे मैं एक जॉब वर्क अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका ले लूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पे भी हमारा मतलब रिवर्स चार्ज में, इसके ऊपर भी हमारा ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हैं, गोडाउन चार्जेस लेते हैं, जितने भी यहाँ पे हमने लिस्ट दी हुई है सबसे पहले आप एक बार उनके अकाउंट क्रिएट कर लो, ताकि जब एक बार आप एंट्री डालें उस टाइम आपको यहाँ पे सिर्फ एंट्री में आके GST वाउचर में यहाँ पे, जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिए, सपोज करो मैं जॉब वर्क की एंट्री डाल रहा हूँ। जॉब वर्क आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जॉब वर्क होता है, लाइक टेक्सटाइल, जार्स, ज्वेलरी, प्रिंटिंग, यहाँ पे ये सारा काम जॉब वर्क पे होता है। और जितने भी जॉब वर्कर होते हैं मोस्टली 70-80% वो अनरजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, उनके पास कोई GST नंबर नहीं होता, तो उनका यहाँ पे हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टी है, यहाँ पे मैंने एक पार्टी क्रिएट की राम जी, और ये भी हमारे सन्डरी क्रिएटर हैं, और यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट सेव कर लिया। और उसके बाद जॉब वर्क के ऊपर 5% टैक्स होता है और इसका ITC क्लेम होगा, तो यहाँ पे हमने कौन से अकाउंट में हमने इसकी पोस्टिंग करनी है, और यहाँ पे हमने जॉब चार्जेस ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे कितने परसेंट है इसके ऊपर 5%। ये लिस्ट में हमने दिया हुआ है किस मतलब एक्सपेंस पे कितना टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैंने सपोज करो 7000 रुपये का जॉब वर्क करवाया यहाँ से, यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग का, हमने इनको जॉब वर्क दिया था, तो यहाँ पे ये हमारा सेव हो गई एंट्री। इस तरह से आप जितने भी एक्सपेंस है सबसे पहले आपने उनके यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर लेने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, उसके बाद GST वाउचर में सारी एंट्रीज कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अपनी डे बुक
तो यहाँ पे सारा अकाउंट्स आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप टू ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट सब कुछ मेंटेन हो रहा है, और साथ में आपकी जो GSTR2 में आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे रिवर्स चार्ज एंट्री, जिस जिस एंट्री पे हमारा GST क्लेम होना है वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो होगी किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा, और जिस एंट्री पे हमने टैक्स क्लेम करना है वही एंट्री यहाँ पे आएगी। और ये सारी एंट्री हम अपनी जो GSTR2 में फाइल कर देंगे, और इस तरह से आप जो डेली की रूटीन के रिवर्स चार्ज के आपके एक्सपेंस हैं वो आप एक ही एंट्री में पोस्ट करके सिंपली अपना GST पे अकाउंट इस ERP के साथ मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।